चेयरमैन चेयरमैन जवाब दो जवाब। क्या आपके ट्वीट पर लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं? एक और ट्वीट कर दीजिए कि आज शाम में रिजल्ट दे रहे हैं। सेम कटअप पे है और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ है, आंदोलन होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए बीपीएससी आयोग के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है जो की तड़प रहे हैं रिजल्ट के लिए, और साथ में छात्र नेता सौरभ भी मौजूद है। मांगे पूरी करो, गर्म होकर अतीब साहब के पास पहुंचे कि रिजल्ट जारी करना होगा। बीपीएससी मैन चेयरमैन जवाब दो जवाब। इतने गर्म क्यों है, इतने गर्म क्यों है? 40,000 पद पर जो रिक्ति बारगी है प्रथम फेज की बहाली में, ये बीपीएससी चेयरमैन से लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इन्होंने ट्वीट भी किया था 25 अक्टूबर के दिन, आज 29 नवंबर है, आखिर कब तक प्रथम फेज की बहाली फेर लिए हैं? बीपीएससी ऑफिस के पास आज आए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है, आखिर चेयरमैन सर क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? आपने जो ट्वीट किया, एक महीना बीत गया, लगातार अभ्यर्थी परेशान है, तो आखिर कब रिजल्ट आएगा? 40,000 पद का क्या होगा? शिक्षा विभाग और बीपीएससी से क्या बातचीत चल रही है? अंदर जाएंगे आप प्रसाद से मिलेंगे? निश्चित रूप से हम बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करने जाएंगे और आग्रह करेंगे कि आपके ट्वीट पर लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, एक और ट्वीट कर दीजिए कि आज शाम में रिजल्ट दे रहे हैं। इस बात पर हम पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन इसी बात को लेकर कि लगातार हमारे 4 दिन से साथी धरना पर बैठे थे, आज फिर धरना पर बैठे हैं और आज बीपीएससी चेयरमैन के पास आए हैं आग्रह करने कि रिजल्ट निकाल दीजिए, लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं लगातार। और भी लोग आए हैं, ये बताइए कि अतुल प्रसाद जो ट्वीट किए थे वो आपके हाथों में जी, क्या चाह रही? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते जल्द से जल्द, यही हम चाह रहे हैं। बोल के आई है कि जा रहे हैं बीपीएससी आयोग घेर में? जी हम आए हैं अतुल प्रसाद से, हम दोनों हाथ जोड़ कर हम मांग रहे, यही मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। एक दो नहीं मिला अगर 30 तारीख तक यानी कल तक, तो क्या होगा? सबसे पहले बता दे, विश्वास तो है करेंगे सर। नहीं हुआ सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? ना बोले सर तो करेंगे, बोले तो करेंगे। क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए हम लोग गेट पर खड़े हैं और घेर चुके हैं आप लोग बीपीएससी आयोग। हम लोग बस यहाँ पर गेट को घेरने का बस एक ही मकसद है कि आप सर अतुल सर कुछ तो बोलिए, कितना हम लोग से सब्र करवाइएगा आप बताइए सर कि आगे आप कब जारी कर रहे हैं, कोई तो ट्वीट सर कीजिए। अब कितना दिन हम लोग इंतजार लेके घूम रहे हैं, क्या होगा? ये वही अतुल सर जो संवैधानिक कुर्सी पर जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन है, जहाँ अंदर बैठे हुए, उन्हीं का ट्वीट है महोदय, आप देख लीजिए। आपका इंतजार हम लोग कर रहे हैं, दिन रात इंतजार कर रहे हैं कि आप कब देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हमें पूरी विश्वास है, पूरा भरोसा है महोदय कि आपने अगर बोला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे तो एक और ट्वीट कर दीजिए कि कब दे रहे हैं। हम लोग को कोई मनसा नहीं है आंदोलन करने का, हमारा घर यहाँ नहीं करता आंदोलन करने का, एकदम मन नहीं करता आंदोलन। हमारा घर यहाँ से 230 किलोमीटर, अगर परीक्षा से पहले नहीं मिला रिजल्ट, समान नंबर रहते हुए भी 7 नंबर बीसी का कटअप है, आयोग के सामने बोल रहे हैं अगर गलत है, अगर मेरा 7 नंबर नहीं है तो हमें बर्खास्त किया जाए। अगर हम नंबर कह रहे हैं 7 कटअप के है, 7 नंबर मेरा है, सेम कटअप पे है और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हमारे जैसे कई भाई जो 1-2-3 नंबर बोलेंगे तो अतुल प्रसाद क्या बोले मालूम है ना? जी उन्हीं ने तो बोला है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, अतुल प्रसाद तो बोले, इसीलिए तो हम लोग यहाँ, हम लोग को उनके ऊपर भरोसा है, विश्वास है, उन्होंने ऐसा एग्जाम है, चिल्ला रहे उन्हीं पे, उन्हीं पे चिल्लाना लाजमी है क्योंकि अभी तक डेट नहीं बताया, अब तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है हमें। जी देखिए थ्योरी 2.0 से पहले रिजल्ट नहीं है तो क्या होगा? टीआरई 1.0 से पहले अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग जैसे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, 2.0 से पहले अगर नहीं आता है तो जैसे हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं तो वैसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए सौरभ जी, बस इतना आखिरी सवाल है, बस कुछ दिन बाकी है टीआरई 2.0 को लेकर, अगर नहीं आया रिजल्ट कल तो क्या होगा? बिल्कुल, ये सवाल हम लोग के मन में लगातार कौंध रहा है। बीपीएससी चेयरमैन और शिक्षा विभाग अगर कह रही है नियोजित वाले ज्वाइन नहीं किए, 25 से बढ़ाकर 30 और 30 से बढ़ाकर 7 किया गया, तो आखिर रिजल्ट क्यों नहीं है? 7 तारीख के पहले रिजल्ट हर हाल में आना होगा। अगर रिजल्ट नहीं आता है, जिसका गेट है वो बंद हो रहा है और आपको दिख रहा होगा, रिजल्ट अगर नहीं आता है तो इस रिजल्ट का कहीं कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए स्पष्ट है कि 7 तारीख के पहले हर हाल में इनको रिजल्ट निकालना होगा। नहीं निकला रिजल्ट तो क्या होगा? आंदोलन होगा सर, आंदोलन होगा। सीधे कह रहे हैं जी सर। कहाँ से आए? हम लोग सारण जिले से आए हैं। कहाँ से आए? लखीसराय जिला। चाहते क्या है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए सर। तो मार्क्स आपका ठीक आया? जी हम क्वालिफाई हैं सर। क्वालिफाई हैं जी, हम सेम कटअप है, 1-60 वाले जॉब में और 1-60 वाले हम रोड पे हैं सर। कितना आया है? हम सब क्वालिफाई, कॉमन नंबर आया है, उससे मतलब नहीं है। मुझे यही मतलब है कि बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए बीपीएससी आयोग के बाहर जो लोग हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो पहुंच गए हैं और आयोग के बाहर आपको दिखा रहे हैं हम नजारा क्या है। छात्र नेता सौरभ भी पहुंचे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, और साफ करें अगर नहीं दिए तो बड़ा आंदोलन होगा। तो बस अब देखना यह होगा कि अतुल प्रसाद से ये लोग मिल पाते हैं कि नहीं। तो बस लाइव सीरीज के साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।